सबर करो। बताओ मैं तुझे। हेलो गाइस, तो आपको फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, कुछ अपन इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना सीखेंगे जो कैंसर एडिटिंग आते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। स्टूडेंट गाइस, सबको वीडियो अच्छा करो, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस मैं आपको ऐसा इंटरेस्ट वीडियो चैनल पर लाता रहता हूं। चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अदर गाइस आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर एसएमएस करके पूछे, तो चलते वीडियो को स्टार्ट। इन्वेस्टर ओपन करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट क्लिक कर गए, नो सेल ऑप्शन चूज करें, नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं कि हमको ऐसा इंटरफेस लग रहा है जैसे मैं स्क्रीन पर दिख रहा हूं। तो गाइस इस वीडियो में कुछ अपन आज नया सीखेंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। अदर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले अपन इस सेटिंग ऑप्शन पर जाएंगे, एडिट में क्लिक करेंगे, फिल स्क्रीन क्लिक करके, और आपको इसको 4 पे कर लेना है, 4 या 3.5 पे कर लेना है। 3.5 पे क्लिक करते ही हम क्या होगा, इसको जैसा इंटरफेस आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से आपको वो फोटो सेलेक्ट कर लेना है जिसका आप वो वीडियो बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था। जैसे कि मैं 5 से 7 फोटो की वीडियो बना दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो इसमें ज़्यादा फोटो की बना सकते हो और आपके फोटो की सेम वीडियो बना सकते हो, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन इस तरह से जो वीडियो पर क्लिक करेंगे, अपने ये फोटो पे क्लिक करेंगे और क्लिप कैप्चरिंग्स पे जाएंगे। क्लिप कैप्चरिंग्स पे जाने के बाद यहाँ से अपन एक इफेक्ट, अपन प्रैक्टिकल फिल्म से वीटा स्कैन इफेक्ट यूज करेंगे, तो गाइस जो कि गाइस आपको काइनमास्टर में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का वीटा स्कैन इफेक्ट अपना रहेगा। तो आपको क्या करना है, सभी फोटो पे क्लिक करना और यहाँ से क्या करना, इस पहले वीडियो को आपको देख लेना है कैसे एडिटिंग करना, और इसके बाद आपको हर एक में क्या करना, फोटो पे क्लिक करना, क्लिप कैप्चरिंग्स पे जाना, और क्या करना, सारे एक में अलग अलग टाइप के फ्रेम आपको मिल जाएंगे। देख सकते हो इस तरह के कुछ फ्रेम मिलेंगे, मैं स्क्रीन पे आपको लाइव स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और ये फ्रेम आपको सब में यूज़ कर लेना है। और अदरवाइज आप कोई दूसरा फ्रेम यूज़ करना चाहते हो उसमें वो भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये वाला फ्रेम में आपको इस वीडियो को बना के दिखाऊंगा। इस वीडियो में तो गाइस आपको सभी में फोटो में क्या करना है, इस तरह के इफेक्ट लगा लेना है। आप क्या करना है, यहाँ से फोटो पे पहले तो आपको क्लिक करना है, और क्या करना है, इस तरह से आपको इस फोटो को छोटा करते चले जाना। इससे क्या होगा, जो फोटो अपने फास्ट में निकलेंगे तो वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आपको कम से कम इनको 15 सेकंड का कर लेना है, और अदरवाइज आप बड़ी वीडियो बना रहे हो तो इसको 30 सेकंड का कर लेना है। अगर आप जो कि इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हो तो 15 सेकंड कर लेना है, और अदर व्हाट्सएप के लिए बना रहे हो तो इसको 30 सेकंड का करके बना सकते हो, और आपके हिसाब से आपको देख लेना है कितना बड़ा आपको लेयर इसको बनाना है, ठीक ना। तो इस तरह से अपन कर लेंगे कन्वर्ट, जो कि आप क्या करेंगे, फिर से लेयर पे जाएंगे, वीडियो ऑप्शन क्लिक करेंगे, और यहाँ से पहले क्या करेंगे, इस एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो ले लेते हैं। इसके बाद अपन आगे प्रोसेस पूरी चालू करेंगे। तो गाइस कुछ इस तरह का अपना ग्रीन वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से अपन स्पीड पे जाकर पहले तो इसका फुल स्क्रीन कर लेते हैं, और बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद क्या करना, जो ग्रीन वीडियो ले इस पर क्लिक करना, आपको क्रोमा की के ऑप्शन पर जाना और इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करते कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक ना। तो अब क्या करना, इसको जिस तरह से आपको कर लेना है, इस तरह से करने के बाद आपको इस फ्रेम में रहने देना है इसको, क्योंकि अपन आपको इस वीडियो में कुछ नया आज बनाएंगे, ठीक ना। तो इस तरह से करने के बाद क्या करना, इस फोटो को थोड़ा सा छोटा और कर देना है। छोटा करने के बाद क्या करना, यहाँ से फिर से लेयर पे जाना है, मीडिया ऑप्शन क्लिक करना, और एक इसमें क्या करना, आपको बॉर्डर PNG लगा लेना है, ठीक ना। तो जो कि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा था, तो कुछ अपन वो एक बॉर्डर PNG लगा लेते हैं, ठीक ना। इस तरह का कुछ बॉर्डर PNG रहेगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसे स्प्लिट स्क्रीन पर जाकर पहले तो इसका फुल स्क्रीन कर लेते हैं, फिर बैक आते हैं और ब्लेंडिंग ऑप्शन पर जाकर पहले तो इसका स्क्रीन करके, और फिर से बैक आना है स्क्रीन करके, सॉरी अपने ब्लेंडिंग ऑप्शन पर जाके, और आपको स्क्रीन पर क्लिक कर लेना है। अब क्या करना, इसका लेयर क्लिक, आपको बैक आने के बाद इसका लेयर क्या करना, जो आपने वीडियो बना रहा है उसी के बराबर इसका लेयर पूरी वीडियो पे कर देना है, ठीक ना। इस तरह से कर देना है। इस तरह से करने के बाद क्या करेंगे, इससे अपन इस वीडियो को पहले तो एक्सपोर्ट वगैरह कर लेते हैं। थोड़ा सा क्या होगा, डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अभी वीडियो को स्किप नहीं करना, आप क्यों खास रहेगा वीडियो एडिटिंग करना, तो जिसमें थोड़ा सा अपन वेट कर लेते हैं वीडियो का एड होते। तो कैसे आपके कुछ इस तरह से वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब क्या करना, आपको थोड़ा सा बैक आना है, बैक आने के बाद एक बार और आपको क्या करना, बैक आ जाना है, ठीक ना। बैक आने के बाद थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर लेना, जो गाइस वीडियो आपने लिया था ग्रीन वाला पहले उसको डिलीट कर देना, और क्या करना, इससे जो आपने बॉर्डर लिया था इसको भी डिलीट कर देना। तो कुछ अभी कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपकी वीडियो का, ठीक ना। आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस फोटो पे क्लिक करते हैं और अपन जाते हैं एडजस्टमेंट को ऑप्शन पे। एडजस्टमेंट को ऑप्शन पे जाने के बाद फोन नंबर की लाइन को आपको माइनस कर देना है, और क्या करना, सबको फिर से सेकंड वाले फोटो पे क्लिक करना, फिर से माइनस इसको सब्सक्रिप्शन करने देना। इससे क्या होगा, जो अपन वीडियो बनाएंगे वो बहुत अच्छा लगेगा, और गाइस इसमें कुछ खास रहेगा तो अपन को वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करना। और आपको जो इफेक्ट मैंने लगाया, इफेक्ट कहाँ मिलेगा ये मैं लास्ट वीडियो में बताऊंगा, आपको कैसे डाउनलोड करना है पूरी डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इससे यहाँ से अपन इसको -100 कर लेते हैं, फिर से क्लिक करते हैं, और इस तरह सभी फोटो को आपको -100 वगैरह कर लेना है। गाइस इतना वीडियो कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से लेयर पे जाएंगे, मीडिया ऑप्शन क्लिक करेंगे, और गाइस जो अभी अपने वीडियो एक्सपोर्ट किया था पहले तो उस वीडियो को आपको ले लेना है। इस तरह से वीडियो लेने के बाद क्या करना, थोड़ा सा वीडियो को स्किप करना, और क्या करना, पहले तो आपको स्प्लिट स्क्रीन पर जाकर इसको फुल स्क्रीन कर लेना है, और फुल स्क्रीन करने के बाद आपको बैक आना है, फिर से आपको क्या करना, इससे नीचे जाना है क्रोमा की ऑप्शन पर, और
इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर दे क्योंकि जैसा इंटरफेस आएगा इसका जो 28% लिखा है रोटेट इसको -37 के लगभग परसेंट कर देना है, ठीक ना। इस तरह से कर लेना है। अब क्या होगा, सबसे पहले अपन इसका म्यूट कर लेते हैं। म्यूजिक किसमें, इसमें म्यूजिक वगैरह डल रहा होगा क्योंकि अपन इसमें अदर म्यूजिक वगैरह लगाएंगे। तो सबसे पहले इतना आपको कंप्लीट कर लेना। अब क्या करेंगे, स्पेशल लेयर पे जाएंगे, मीडिया सिंक क्लिक करेंगे और यहाँ से एक सॉन्ग लगा लेते हैं जो मैंने पहले वीडियो में इसमें लगाया था। तो अपन यही सॉन्ग अपन इस वीडियो में यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास दूसरा सॉन्ग नहीं था, इसलिए आप चाहे दूसरा सॉन्ग भी इसमें लगा सकते हो। सबसे पहले स्प्लिट स्क्रीन पे जाके अपन इसको फुल स्क्रीन नहीं करेंगे, लेकिन इसको अपने ब्लेंडिंग पे जाके स्क्रीन जरूर कर लेना है आपको, ठीक ना। तो अपन इस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे बड़ी आसानी बीच सेंटर देख लेना है, ऐसे आपको क्लिक कर करके और आपको बीच सेंटर में इस तरह से कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट करते हैं कुछ एसेंट पर फिर से लेयर पे जाकर मीडिया सिंक क्लिक करेंगे और गाइस इसमें एक अपन पहले तो टेम्पलेट लगा लेते हैं गाइस। इसके बाद आपके हिसाब से आपको देख लेना है, अगर कोई और टेम्पलेट वगैरह लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। सबसे पहले अपन स्प्लिटिंग पर जाकर पहले ये टेम्पलेट लगा लेते हैं और क्या करते हैं इसका म्यूजिक वगैरह म्यूट कर देना है आपको। स्प्लिट पे स्क्रीन पर जाकर पहले तो इसका फुल स्क्रीन कर लेना है और अब क्या करना है, आपको बैक आना है, फिर से ब्लेंडिंग को ऑप्शन पर जाना और इसका कर देना है आपको स्क्रीन करते हैं कि हम बैक आना है। फिर से अपन ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाकर स्क्रीन करके बैक आ जाएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आने लगेगा अपनी वीडियो का, ठीक ना। तो अपनी वीडियो कुछ कंप्लीट हो जाएगी गाइस, जो कि 5 से 10 सेकंड में अपनी वीडियो कंप्लीट हो गई। देख सकते हो कितना मस्त है अपना वीडियो लग रहा है, जो कि एक नंबर जैसा मैंने स्क्रीन पर दिखाया था सेम वीडियो अपनी बनकर कंप्लीट हो गया है। तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा इंटरेस्ट वीडियो चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, थैंक यू।